बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। CSS 2019 करंट अफेयर्स क्वेश्चन 2। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान एज वन ऑफ द न्यू मेंबर्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। पाकिस्तान्स इनरोलमेंट इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स अ फ्यू ओपन डोर्स फॉर द कंट्री। अ पोर्शन ऑफ दीज, फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेंस्ड रीजनल कोऑपरेशन, सेकेंड इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, थर्ड इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फोर्थ इज इनहेंस्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि बीजिंग बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फ्यूचर का आप नेटो भी कह सकते हैं एशिया का। बहरहाल ये क्या कर रहा है, इसके अंदर जो है ना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, एक तो यहाँ पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया और एशिया के अंदर जो इसके मेम्बर्स कंट्रीज़ हैं, रशिया जैसे या इंडिया है या अफगानिस्तान है, इनके साथ यहाँ पर पाकिस्तान कोऑपरेशन के बहुत सारे जो है ना एग्रीमेंट कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है चीज़ें। इससे पाकिस्तान को और उन कंट्रीज़ के आपस में बहुत अच्छे रिलेशन हो जाएंगे और पाकिस्तान को उन दोनों कंट्रीज़ या जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनको, पार्टनर्स हैं उनको बेनिफिट्स होंगे। फिर इम्प्रूव, सेकेंड इम्प्रूव सिक्योरिटी, इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस SCO के अंडर जो है इम्प्रूव सिक्योरिटी के अंदर पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, स्पेशल इंडिया के साथ या दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर जो वारफेयर हैं और जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो ले सकता है। कोलैबोरेशन से ट्रेड बढ़ा सकता है या सिक्योरिटी बढ़ा सकता है, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के अगेंस्ट पाकिस्तान उसके अंदर खुद को भी सिक्योर कर सकता है, दूसरे कंट्रीज़ को भी। इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान इसके ज़रिए अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है, कोलैबोरेशन कर सकता है, वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इनके साथ कर सकता है। तो एक बहुत अच्छा है ख़ासतौर पर ये फॉरम पाकिस्तान के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के जो इशूज़ हैं या अफगानिस्तान के जो साथ पाकिस्तान के इशूज़ हैं वो यहाँ रिजॉल्व हो सकते हैं। अब तो ईरान भी इसका मेंबर बन चुका है, तो ईरान के साथ भी पाकिस्तान के जो पाइपलाइन और दूसरे इशूज़ थे उनको भी पाकिस्तान आगे लेकर चल सकता है। इनहेंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी देर से क्या उसका शिकार है, वो भी बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान यहाँ पर पाकिस्तान कैन असिस्ट वर्क ऑन इट्स पॉलिटिकल रिलेशंस विद डिफरेंट नेशंस इन द एरिया, स्पेशली विद इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान, और फिर बियाइंड द बॉर्डर्स जो और भी इसके अलावा मेंबर स्टेट्स हैं, रशिया से पाकिस्तान गैस, ऑयल, ये चीज़ें ले सकता है, जो डिप्लोमेटिकल रिलेशंस डिस्टर्ब हैं उनको सही कर सकता है। सो इन एनी केस देयर आर एडिशनली अ फ्यू डिफ़िकल्टीज रिलेटेड विद पाकिस्तान इनरोलमेंट इन द SCO। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। बैलेंसिंग रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़, पाकिस्तान को यहाँ इसके अंदर एक तो बैलेंसिंग रिलेशंस कर रखने पड़ते हैं ख़ासतौर पे चाइना, इंडिया और ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, पाकिस्तान को यहाँ पर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को एड्रेस करने चाहिए, जैसे इंडिया के साथ या अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रहे। इकोनॉमिक चैलेंजेस जो पाकिस्तान को हैं, पाकिस्तान यहाँ पर बहुत सारी पाकिस्तान के लिए अभी तक वहाँ पर इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जैसे पाकिस्तान को जॉबलेसनेस है, पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। तो पाकिस्तान SCO के अंदर पाकिस्तान को चाहिए कि इन सारी चीज़ों को, जो मॉनेटरी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको हल करने की कोशिश करे। ऑल इन ऑल पाकिस्तान पार्टिसिपेशन इन द SCO ऑफर्स आ फ्यू पोटेंशियल ओपन डोर्स फॉर द नेशन, इंक्लूडिंग अपग्रेडेड टेरिटोरियल कोलेबरेशन, फर्दर डिवेल्प्ड सिक्योरिटी, एक्सपेंडेड एक्सचेंज एंड वेंचर एंड इम्प्रूव्ड स्ट्रेटजिक रिलेशंस। Be that as it may, there are additionally a few difficulties related with this enrollment, including the need to offset associations with different nations, address security dangers, and address financial difficulties. Thank you for watching. We'll see you next topic. Allah Hafiz.